दोस्तों राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एयरपोर्ट कोड HYD एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कार्य करता है। ये हैदराबाद से लगभग 24 किलोमीटर दक्षिण में शमशाबाद में अवस्थित है। ये 23 मार्च 2008 को बेगमपेट हवाई अड्डे को बदलने के लिए खोला गया था, जो हैदराबाद की सेवा करने वाला एकमात्र नागरिक हवाई अड्डा था। इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। 5495 एकड़ यानी कि लगभग 2224 हेक्टेयर के क्षेत्र में निर्मित ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। इसे एयर हेल्प की दुनिया के शीर्ष 10 हवाई अड्डों की सूची में भी शामिल किया गया है। यात्री यातायात द्वारा भारत का चौथा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, इसने अप्रैल 2021 और मार्च 2022 के बीच 12.4 मिलियन यात्रियों और 1,40,075 टन कार्गो को संभालने का कीर्तिमान स्थापित किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आज आपके साथ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद की कुछ रोचक जानकारियां शेयर करूंगा, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हैदराबाद एयरपोर्ट भारतीय राज्य तेलंगाना के अंतर्गत आने वाला एक बेहद ही खूबसूरत एयरपोर्ट है, जिसका स्वामित्व GMR ग्रुप 63%, तेलंगाना सरकार 13%, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 13% और मलेशिया एयरपोर्ट्स होल्डिंग 11% के पास है। हैदराबाद एयरपोर्ट का संचालन GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। हवाई अड्डे के पास एक यात्री टर्मिनल, एक कार्गो टर्मिनल और 2 रनवे है। विमानन प्रशिक्षण सुविधाएं, एक ईंधन फार्म, एक सौर ऊर्जा संयंत्र और 2 MRO सुविधाएं भी यहां पर मौजूद हैं। हवाई अड्डा एलायंस एयर, ब्लू डार्ट एविएशन, स्पाइस जेट, लुफ्थांसा कार्गो, क्विक जेट कार्गो, ट्रू जेट और इंडिगो के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह एयर इंडिया के लिए एक फोकस शहर भी माना जाता है। मौजूदा वाणिज्यिक हवाई अड्डा बेगमपेट हवाई अड्डा बढ़ते यात्री यातायात को संभालने में असमर्थ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने शुरू में हकीमपेट वायुसेना स्टेशन को नागरिक उपयोग में बदलने पर विचार किया था। हालांकि वायुसेना ने इनकार कर दिया। जब राज्य ने वायुसेना के लिए एक नए हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव रखा तो रक्षा मंत्रालय ने सुझाव दिया कि राज्य बेगमपेट हवाई अड्डे के दक्षिण में स्थित स्थलों पर विचार करे। अक्टूबर 1998 तक राज्य ने नए हवाई अड्डे के लिए 3 संभावित स्थानों को सीमित कर दिया था, बेंगलुरु, नादरगुल और शमशाबाद। 2 राजमार्गों NH44 और NH765 और 1 रेलवे लाइन के पास अपने सुविधाजनक स्थान के कारण शमशाबाद को दिसंबर 1998 में चुना गया था। दोस्तों हैदराबाद हवाई अड्डा 2224 हेक्टेयर यानी कि लगभग 5495 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें से 810 हेक्टेयर यानी कि 2000 एकड़ को हवाई अड्डे के जरूरतों के लिए विकसित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से 690 हेक्टेयर यानी कि 1700 एकड़ भूमि हवाई क्षेत्र है और 120 हेक्टेयर यानी कि 300 एकड़ भूमि भूभाग की सुविधा है। शेष 1414 हेक्टेयर यानी कि 3495 एकड़ हवाई अड्डे का विस्तार क्षेत्र है। बात अगर रनवे की करें तो हवाई अड्डे के 2 रनवे हैं। रनवे 09L/27R जिसकी लंबाई 12,162 फीट और चौड़ाई 148 फीट है और रनवे 09R/27L जिसकी लंबाई 13,980 फीट और चौड़ाई 200 फीट है। ये रनवे ILS से सुसज्जित है। बात अगर टर्मिनल की करें तो हैदराबाद एयरपोर्ट के पास एक एकीकृत यात्री टर्मिनल है जो 1,05,300 वर्ग मीटर को कवर करता है और प्रति वर्ष 12 मिलियन यात्रियों की क्षमता रखता है।
टर्मिनल का पश्चिमी भाग अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संभालता है, जबकि पूर्वी भाग घरेलू संचालन के लिए है। स्वचेक इन के लिए 19 कियोस्क के साथ 46 इमिग्रेशन काउंटर और 96 चेक इन डेस्क हैं। कुल 9 दरवाजे हैं, जिनमें से 7 टर्मिनल के दक्षिण की ओर और 2 उत्तर की ओर अवस्थित है। वाइड बॉडी विमानों के संचालन में तेजी लाने के लिए 3 दरवाजे प्रत्येक 2 जेटवे से सुसज्जित हैं। प्लाजा प्रीमियम लाउंज द्वारा सार्वजनिक लाउंज सुविधाएं प्रदान की जाती है, जो टर्मिनल में 3 लाउंज संचालित करती है। इसके अलावा हवाई अड्डे पर 57 पार्किंग बे, 47 रिमोट पार्किंग बे और 10 एयरोब्रिज हैं। दोस्तों, जनवरी 2019 में GHAIL ने 26 और पार्किंग बे जोड़े, जिसको मिलाकर कुल 83 पार्किंग बे हो गए। दोस्तों, अब बात अगर फ्लाइट्स की करें तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर अरेबिया की फ़्लाइट्स शारजा के लिए, एयर इंडिया की फ़्लाइट्स अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, दुबई, दुर्गापुर, जयपुर, जेद्दाह, कोलकाता, लंदन हेथ्रो, मुंबई, रियाद, सूरत, तिरुपति, विशाखापट्टनम के लिए, एयर इंडिया एक्सप्रेस की विमान मस्कट और विजयवाड़ा के लिए, एयर एशिया की विमान क्वालालंपुर के लिए, अलायंस एयर की विमान बेंगलोर, चेन्नई, गोवा, गुलबर्ग, हुबली, जगदलपुर, कोल्हापुर, मैसूर, पुणे, विजयवाड़ा के लिए, ब्रिटिश एयरवेज की विमान लंदन हेथ्रो के लिए और ऐसे ही कई सारे विमान कंपनियां विश्व के कई महत्वपूर्ण जगहों के लिए फ्लाइट्स की सुविधा प्रदान करती है। दोस्तों, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक रुकने हेतु कई सारे शानदार होटल्स मौजूद हैं, जिनमें मुख्य रूप से होटल सिग्नेचर एयरपोर्ट जोन 4.9 किलोमीटर, होटल रेनबो टावर 4.8 किलोमीटर, होटल ओक 4.6 किलोमीटर, सिटाडेल होटल्स एंड कॉन्वेंशंस 5.9 किलोमीटर, नोवोटेल 2.7 किलोमीटर, होटल स्काई पार्क 5.1 किलोमीटर, होटल हैदराबाद ग्रैंड 5.2 किलोमीटर, होटल मेरिडियन ग्रैंड 5.2 किलोमीटर, होटल एसएम डेक्कन पार्क 5.1 किलोमीटर, होटल रेनबो इंटरनेशनल 5.4 किलोमीटर, होटल एलीट 4.9 किलोमीटर आदि मुख्य रूप से शामिल हैं। दोस्तों, हैदराबाद एयरपोर्ट के नज़दीक घूमने के लिए गोलकोंडा किला, रामोजी फिल्म सिटी, सालार जंग म्यूजियम, चौमहला पैलेस, स्नो वर्ल्ड, नेहरू जियोलॉजिकल पार्क आदि शुमार हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट से हैदराबाद रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 30 किलोमीटर की है, जहां तक आप ऑटो, निजी कार या कैब के माध्यम से पहुंच सकते हैं। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में फ्लाइट्स संबंधित पूछताछ हेतु +91406654-6370 पर संपर्क किया जा सकता है। तो दोस्तों, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। और अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे YouTube चैनल संजीव मिश्रा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस चैनल पर भी आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस जगह या किस शहर की देखना चाहते हैं वो भी हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए और इतनी तत्परता से हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।